नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कौन होगा बड़ौदा का योद्धा में आज हम पहुंचे हैं सर्वे के दौरान। सिकंदरपुर माजरा गांव है बड़ौदा का, बड़ौदा हल्के का, और यहां हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर की जो बातें हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गांव का रुझान किस पार्टी की ओर है, किस प्रत्याशी की ओर है। तो यहां पर अगर हम गांव की बात करें तो गांव काफ़ी बड़ा है और उन कुछ मौजूद व्यक्ति हैं जो यहां पर एक बैठक है, यहां बैठे हुए हैं, यहां बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई हैं बाहर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार भाई। राम राम। राम राम। कहाँ से हैं जी आप? इसी गांव से? इसी गांव से। अच्छा, कितनी वोट है गांव में? 2000 2400 वोट होंगे। 2400 वोट हैं, 2400 लगभग वोट हैं और 2000 के लगभग पोल होती हैं। पिछली बार भी योगेश्वर दत्त यहाँ से खड़े थे, एक तरफा था, तो कितनी वोट आई थी यहाँ से? पूरी 80% आई थी। 80%। और दूसरा कौन, किसका पल्ला है यहाँ से देखकर? अब तो ये कांग्रेस का है। कांग्रेस का है, ठीक है। तो बातचीत करते हैं, अंदर बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है क्या कुछ मसला है। तो थोड़ा दरवाज़ा खोल देते हैं, रोशनी बनी रहे। तो यहाँ पर देखिए बैठक में जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर बैठकर चर्चा भी करते हैं कि किस पार्टी का प्रत्याशी को वोट देने में फ़ायदा है, किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन सी पार्टी जो है मजबूत है और क्या कुछ समीकरण बैठ सकते हैं। और मौजूद व्यक्ति हैं सभी के सभी और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? चांदी राम। चांदी राम जी। तो क्या कुछ रुझान लग रहा है जी चुनाव का? आपने पता है कि बड़ौदा उपचुनाव आ गया है और पार्टियों के नेता जो है आना शुरू हो गए हैं सभी के सभी। सारा रुझान बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है, बीजेपी गांव पूरा? हाँ, ना पूरा तो क्या है। अच्छा अच्छा, आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। 90% तो है ये गाँव में भी। पिछली बार क्या कारण रहे थे यहाँ से? योगेश्वर दत्त को पिछली बार भी टिकट मिली थी, पिछली बार भी 90% था गाँव से जीत थी। हाँ। अरे समस्या क्या क्या है गांव की अगर बात करें? गांव की समस्या तो पूरी होती है जी, गांव की समस्या तो बहुत है। और भी मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद जी, इसी गांव से? हाँ, सिकंदरपुर माजरा। तो लगभग 2400 वोट हैं, कितने पड़े थे पिछली बार? 2300 पोल होंगे। 1600-1700, ठीक है। तो पिछली बार कितने वोट मिले थे योगेश्वर दत्त को? 1300। योगेश्वर दत्त को कितने? 1200 वोट मिले थे। तो अब की बार का क्या रुझान है? इतनी अब की बार था योगेश्वर दत्त को? बीजेपी का है अधिक है अब की बार। तो कांग्रेस का यहाँ वोट नहीं है क्या इधर? हैं। अच्छा, कम 200-400 वोट। 200-400 वोट हैं, ठीक है। समस्या क्या क्या है गाँव की अगर मान लो नॉर्मल बात करें? गांव की समस्या तो ये जमीन जाने के ऊपर है, तो सारा काम इसके ऊपर देखा या बन जाओ। समस्या बिजली बिल की समस्या है। क्या समस्या है? बिजली बिल की 2500 भी अब कुर्ते आदमी गिला है। अच्छा, 2500 कम से, और ये जमा देगा 2500 रहेगी। अच्छा, आदमी गिला अब पहले उड़ा सरकार में 100 रुपये में आ रहे बिल के, 100 रुपये बिल के आ रहे उड़ा सरकार में, और गाँव में सुधार की तोड़ है सारे, देखिए दुआए पानी बात करते हैं। हाँ जी, क्या समस्या है जी गाँव? गाँव की जी, एक तो जो है मेन अड्डे से अरबडान रास्ते जाता है फिर नीचे पर गए। अच्छा। उस पर क्या जो है पानी का कई बार कहीं नेताजियाँ के अगर वो रख ली, किसके सामने वो जो है योगेश्वर आगे भी रखी है इस बात की, फिर क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? हाँ, बाकी तो जो है तो कह रहे हैं वोट पड़ा गए फिर जितवा उन्हें बजी, वो तेनू है जो है राज के साथ तो होना पड़ता है, राज के साथ ही रहने में जो है अब की बार नागली बरिया जो कोशिश हो गए शायद बन भी जा। हाँ, राज के साथ जाएंगे? हाँ, राज के साथ जाएंगे जी। लेकिन आप समस्या कई बार गए हैं योगेश्वर दत्त के पास, समस्या का समाधान तो होना चाहिए था। समस्या तो उसका नहीं, बेचारा जो है 1,00,000 के कर्ज कहता जो है तो चौक देगी की चाहता नहीं, कारण बनया नहीं सरकार है जो हुआ भी बन जाए तो हुआ भी बात हुआ है, समस्या बिना बने बिना बेचारे के साथ के था। हाँ, तो ज्यादातर ये ब्राह्मणों का काम है। हाँ, ब्राह्मणों का काम, एक जाट नहीं है जी, और तकरीबन जाती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक भाई और हैं बीच में बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। क्या कुछ रुझान लग रहा है अगर यहाँ गाँव का? बीजेपी का ज़्यादा भाई, हमारे गाँव में हलवान जी का। अच्छा, सिकंदरपुर माजरा का। तो यानी कि 2200 वोट हैं, 1600 पोल होंगे जिसमें 1200 भी आ जाए, 1300 भी आ जाए, 1200-1300 वोट हैं।
ठीक। पिछली बार गांव ने समर्थन पूरा दिया था? पूरा पूरा 90% था। तो क्या मतलब जाति को देख के वोट डाले जा रहे हैं क्या? जाति जुतियाँ कुछ नहीं, हर भाई हर कैंडिडेट ने देख के वोट डालते हैं, जो कैंडिडेट अच्छा आता उसको वोट देते हैं, जाति का हमारे गाँव में कोई सिस्टम नहीं। क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक है, जो आपका नेता भी ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं। जो योगेश्वर दत्त है, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि उसको देखिए? ना ना ऐसा। समस्या क्या क्या है गांव की? अगर समस्या तो भाई पानी पीने के पानी की है, पानी की निकासी की है, बिजली का बिल बहुत आओ है, बिजली बहुत ज़्यादा आओ है जी, ये समस्या है। तो ये रखी है योगेश्वर दत्त के सामने आपने? हाँ रखी है, अभी जब बन जाएगा तो पूरी करा होगा। अच्छा, ये प्रोग्राम करने आए अभी वो? हाँ अभी कल आए थे, कल प्रोग्राम था, कल कर गए हैं प्रोग्राम। ठीक है जी, अभी एक है कि जो गांव की समस्याएं भी हैं, लोगों का साफ तौर पर कहने के अगर बनेंगे तो उन समस्याओं का समाधान भी होगा। और भी भाई हैं, समझदार हैं, युवा वर्ग है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम भैया, आ जाओ बैठ। हाँ कोई बात, तो खुल के चर्चा करेंगे, खुल के करेंगे। हाँ कांग्रेस की कितना कुछ वोट बैंक है यहाँ पे कांग्रेस का? भाई पहली बात तो आपका सवाल गलत है। नहीं नहीं, कांग्रेस का भी सुनो सुनो, मैं तो अपनी वोट का, पहली बात तो मैं अपनी वोट का जिम्मेदार हूँ कि भाई मैं ओवर, मैंने कोई सर्वे करना, सवाल एक्चुअल में ये होना चाहिए कि कौन सी पार्टी काम, किस पार्टी ने काम किया, किसने नहीं किया। देखो कांग्रेस का, बीजेपी का आपने बता दिया है सबने, क्या बता भाई भी बीजेपी का यहाँ पे लगभग 90% जो है बीजेपी का है, कांग्रेस का भी कुछ ना कुछ होता होगा, अभी पिछली बार भी वोट मिले होंगे, डेफिनेटली होगा, आपको पता होगा ना, क्यों नहीं होगा, काम क्या किया है बीजेपी ने? काम नहीं करा, एक काम गिनवा के दिखा दो कोई बीजेपी ने, ये काम कराया है। अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट में कहाँ है हरियाणा? पहले नंबर पे है, 33.8% पे अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा है। बिजली कितनी महंगी है, आप ये बताओ, एक गरीब आदमी 10,000 रुपये 15,000, हमारे गांव का एवरेज बिल 3,000 रुपये है जी। कैसे भरेगा गरीब आदमी बिजली का एवरेज बिल एक 3,000 रुपये? और अगर अगर बीजेपी के किसी लीडर से पूछते हो आप तो कहते हैं कि चोरी करते थे लोग, मतलब जनता को चोर बता रहे हैं। अरे जनता का ही तो पैसा है जिससे आपने पावर, जब पावर प्लांट लगाए हैं, जिससे आपने बिजली के खंभे लगाए हैं, वो किसका पैसा है? आप अंबानी का, अडानी का 6,00,000 करोड़ रुपए लोन पास कर दोगे, उनका सॉरी 6,00,000 करोड़ उनका टैक्स माफ़ कर दोगे, चोरी तो वो है ना। आप बड़े बड़े घोटालों कर लोगे, वो तो चोरी दिखाई नहीं पड़ती आपको। गरीब आदमी अगर अपने जनता को समझ नहीं आ रही क्या बातें भाई? देखो आप, जनता को समझ आएगी आज नहीं 10 दिन के बाद आएगी। बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको पता है समस्याएं क्या हैं, बेरोजगार को ही पता है, गरीब आदमी को ही पता है, लोग जो पॉलिटिकल आदमी है वो आदमी तो अपनी बात रखेगा ही भाई। मैं अगर पॉलिटिकल हूं तो मैं ना, लोग अपनी समस्या नहीं रख रहे ना, लोग तो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जो बीजेपी का आदमी है भाई बीजेपी की है, जो कांग्रेस का वो कांग्रेस की है। तो मैं आम आदमी पार्टी से, तो लोग मेरा मानना, हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, मेरा मानना तो ये लोगों को तो अपना पक्ष रखना चाहिए ना, बीजेपी का पक्ष रखने की बात, अपना पक्ष कौन रखेगा भाई? बीजेपी ने अपना पक्ष रखने के लिए उनके लोग घूम रहे हैं हल्के में, उनके उम्मीदवार हैं, उनके पास लोग हैं भाई। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए उनके पास सांसद है, विधायक है, सब कुछ है, जनता का पक्ष रखने के लिए कौन है जी? भाई जनता को तो अपना पक्ष रखना चाहिए, और जनता का पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधि विधानसभा में भेजते हैं, प्रतिनिधि जाके अंबानी अडानी के तलवे चाटता है, गलत तो नहीं कह रहा? तो हमारा मुद्दा ये होना चाहिए भाई, बरोदे हल्के में स्कूल नहीं खुला, कॉलेज नहीं खुला सरकारी, क्यों नहीं खुला भाई? आज तक हमारे गांव में कितने आ गए, बीजेपी वाले भी आए, कांग्रेस वाले भी आए, कर रखी है, वो योगेश्वर दत्त क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक बार बताओ, 6 साल हो गए इनकी सरकार को, आज घोषणा कैसे याद आ गई? और घोषणा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिएगा स्कूल के लिए, स्कूल मतलब कॉलेज के लिए, अगर आपने किसी स्कूल को सरकारी को बताया कॉलेज है तो मतलब इससे बन गई बात सारी, इससे तो काम नहीं होता ना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, अध्यापक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपके चुनाव आ गया तो भैया यहाँ पे कॉलेज भी खुलवा दिया हमने, इसको ये मुद्दा सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने उठाया था बरोदा हल्के में, आज भी पोस्टर हैं छपे हुए, और वो पोस्टर हमने फिर बाद में इसी इन्होंने फिर अनाउंस करा, वो पोस्टर हमने लगवाए बरोदा हल्के में, लगे हुए हैं, आप जाके देख लेना कि बरोदा विधानसभा में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, क्यों नहीं है? जैसे ही हमने ये बात उठाई, इन्होंने दो स्कूलों को जाके कॉलेज बना दिया, सबसे पहली आवाज़ आम आदमी पार्टी की हमने उठाई थी, मैंने उठाई। तो दो ही पार्टी हैं कांग्रेस और बीजेपी अगर देखा जाए तो, इनेलो भी वैसे तो राजकुमार सैनी भी चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी राजकुमार सैनी तो बहुत बड़ा डेंट डालने वाले हैं ना। राजकुमार सैनी मतलब वो नीचे, वो तो बहुत भारी डेंट करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। किस पार्टी को डेंट? वो तो सीधी बीजेपी को डेंट कर रहे हैं मेरे हिसाब से, मेरे को जो लग रहा है, हो सकता है भाई परिस्थिति कुछ और बने, बट बीजेपी को तो सीधा डेंट कर रहा है राजकुमार सैनी। तो
कहने का मतलब ये है कि भाई जात पात पे जो भी आदमी वोट देता है या फिर उस पे वोटिंग नहीं होनी चाहिए, वोटिंग काम के मुद्दे पे होनी चाहिए। लीडर आ रहा है ना गांव में वोट मांगने के लिए, भाई वो हमसे वोट मांगने आ रहा है तो हमें उससे काम मांगना चाहिए कि भैया आपने, अब एक बात बताओ, सामान्य बात है, हमारे गांव के चारों तरफ एक फिरनी है, वो गांव की फिरनी मतलब एक सबका रास्ता है, वो रबड़ा भी जाता है और आगे गांव में भी जाता है, गांव से कनेक्ट करता है वो एक दूसरे के गांव से। उस रास्ते के लिए गांव ने कितनी मशक्कत कर ली, कितने लोगों को कहा, लिख के दे लिया, वो काम नहीं करते। तो पानी पीने की गंभीर समस्या है। नहीं, काम कौन करेगा ये बताइए मुझे आप, अगर मान लो आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा? इस समस्या का समाधान तो तब जब होगा ना जब हम समस्या की बात करेंगे। लोग समस्या की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात करते हैं समस्या का आप बिजली का बिल की जब तक बात ही नहीं करोगे अपने लीडर के सामने कि भाई हमारी बिजली में वो सस्ती क्यों करेंगे, उनको लग रहा है हाँ भाई सब वो मोदी ने क्या कहा था सब चंगा सी, सब चंगा नहीं है, सब चंगा आप अपने आप को दिखाई दे रहा होगा, मोदी जी को दिखाई दे रहा होगा, खट्टर साहब को दिखाई दे रहा होगा, सब चंगा है नहीं। आप पब्लिक में जाइए, आप उनसे पीछे पूछिए उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके जो वॉलंटियर्स हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं वो तो जाएंगे, वो तो अपनी पढ़ाई करेंगे। पर मेरा सवाल तो इनसे कांग्रेस वालों से भी है, बीजेपी वालों से भी, आपने काम क्या किया एक तो बता दो। बीजेपी वालों स्पेशल है क्योंकि सवाल सत्ता से होता है, सवाल विपक्ष से नहीं है, सवाल सत्ता से होता है, ताकत से सवाल करना चाहिए, कमजोर से तो कोई भी सवाल कर लेगा। हमारा सवाल इस ताकत से है कि आप 6 साल से ताकत में हो, आपके पास सत्ता है, राज है, आपने क्या किया? बात ये है तो इसका मेरा कहना ये साल से बीजेपी की सरकार है तो यहाँ गांव के अंदर योगेश्वर दत्त कितने बार आए हैं? देखो योगेश्वर गांव से हो ना, इधर मैं गांव से ही हूँ। हाँ, योगेश्वर दत्त तो आते रहते हैं, योगेश्वर दत्त से किसी, योगेश्वर दत्त तो सामाजिक आदमी है, ठीक है ना, और वो ओलंपिक विजेता भी है, और जब उसने ओलंपिक जीता था तो देश का दिल जीता था, हर आदमी उसका ऊपर नौछावर था, हम भी नौछावर थे, और जिस दिन वो झंडा लेके ओलंपिक का, जब तिरंगा झंडा उसने ओलंपिक के मैदान में फहराया था तो पूरे देश को गदगद किया था उसने, हर आदमी की आंखों में भावना के आंसू थे, ठीक है ना। पर जब वो व्यक्ति किसी एक राजनीतिक दल में जाता है ना तो कहीं ना कहीं उसका विरोध होना भी लाजमी है, ठीक है ना, तो उसका विरोध भी हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। तो सामाजिक मतलब जो इस प्रकार का एक पब्लिक फ्रेम है ना, उसको जैसे भाई सचिन तेंदुलकर भी देते, उन्होंने तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो तो पब्लिक फिगर जो है जिसको आप पूरा ही देश पसंद करता है उसको एक साइड में नहीं होना चाहिए। चलो काम की बात होनी चाहिए, काम की बात। हाँ जी, एक काउ जी हो रहा है, राम राम जी। राम राम जी। राम, तो काम की बात होनी चाहिए, तो गांव में तो फिर समस्याएं समस्याएं हैं। हाँ, समस्याएं बहुत ज़्यादा है। तो फिर आपने रखी नहीं गया, आप नेताओं के साथ खूब रखी है। तो पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है। हाँ, उसमें DP वत्साह है, उनको भी लिखा था रास्ते के बारे में जी, पानी के बारे में, गंदे पानी की निकासी के बारे में जी। आज तक तो कोई होया नहीं। असली बात यह है क्योंकि अब 6 साल से तो हमारे इसमें विपक्ष का MLA है जी, और उससे पहले जो 10 साल का राज था, ठीक है सामाजिक काम जो हल्के के हुए उसमें हमारा साझा होया हुआ कुछ, लेकिन गांव का कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम में कोई नहीं होएगा, क्योंकि वो जो MLA था यहाँ का बड़ौदा का, वो बाहरी था, उसने अपने कलोई हल्के काम करे हैं, बड़ौदा हल्का ही नहीं। अब परमात्मा की असीम कृपा उन पर हुई, वो बेचारे स्वर्गवास हो गए, अरे दूसरा आदमी आया है, योगेश्वर आया है, हमारा गाँव मोस्टली योगेश्वर के साथ है, उससे उम्मीद रखते हैं हम आगे आए बने और गांव का विकास करें। बीजेपी तो ये कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास काम किया है, लेकिन हमने बीजेपी नहीं देखनी, हमने सिर्फ योगेश्वर नेशनल प्लेयर है उसकी भावना हल्के को का काम करेंगे, हम उसको देख रहे हैं, उसको वोट दें। अच्छा, बीजेपी से कोई मतलब नहीं है? ना, बीजेपी से हमें कोई मतलब नहीं, बीजेपी ने 6 साल हो गए, खट्टर साहब ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी का कोई तुक नहीं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर योगेश्वर दत्त जो है बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी का कोई इसमें योगदान नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधा सीधा तो योगेश्वर दत्त के नाम पर वोट मिलेंगे क्योंकि वो ओलंपियन खिलाड़ी रह चुके हैं, और हाँ जी बताएं जी क्या कुछ लगा है हमारा जो इसका योगेश्वर का ही मोल है। ये तो नहीं हुई यार सारे बैठे हैं कह दी हूँ मैं, नहीं नहीं ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, अंदर जाकर मशीन के बटन देखते हुए कह यार नहीं नहीं पहलवानी करनी चाहिए थी, राजनीति अखाड़े में गलत उतर गया, नहीं वो चीज़ नहीं है,
वो चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये है, ये तो नहीं है कि जैसे ब्राह्मण है तो हम भी ब्राह्मण नहीं, नहीं ऐसे नहीं है, जाति पाति भी नहीं है। अच्छा। एक साल से बेचारा एक साल से कोशिश कर रहा है, काम भी कुछ करवाया होगा। हाँ, काम भी करवा रहा है, मदद करवा रहा है और लोगों की, ऐसी बात नहीं है, जो जैसे काम चले गए उसके साथ होता है। समस्या काम नहीं हो रहा, सुना है। हाँ हाँ, सुन तो रहा, लोगों की समस्या सुन रहा, पता लग रहा क्या समस्या है इस गांव में, क्या समस्या है। अच्छा। तो उन समस्या हम इसकी तरफ यूँ देख रहे हैं, अब हो सकता है ये बनने के बाद मंत्री बन जा और हल्के सुधार कर दे, इसकी भावना भी मंत्री बनाओ, इसकी भावना भी हमारे ये महसूस करते हैं कि इसकी भावना है हल्के काम करने की, और मंत्री भी बनाने से ये प्रदे हल्के बहुत बहुत पिछड़ा हल्का हो गया वो युग, और बहुत दिन से यहाँ मंत्री नहीं बना। हम तो सरकार से अपील भी करते हैं, अगर ये योग ईश्वर दत्त बनता है तो इसको मंत्री बनाना चाहिए। अच्छा, मंत्री बनाए इसको। ठीक ठीक। हाँ जी ताऊ जी, क्यों शपथ दिया है मंत्री जी को योगेश्वर दत्त को? खेल खेल का तो है संदीप सिंह पहले ही, दोनों बदल दें कि अपने हाथ में है। अच्छा। नहीं, अपने हाथ में क्या है, सीएम अपना, सरकार अपनी, छः साल में काम नहीं हुए, प्लेयर आ गया, छः साल में काम ही नहीं हुए, सीएम अपना है, सरकार अपनी है। हाँ। तो काम तो होने चाहिए थे, जब ये हमारा प्लेयर आ जाएगा ना ही भे। हाँ। प्लेयर का मैं कमाता इसको दे देंगे, प्लेयर वाला कौन सा, स्पोर्ट्स का? हाँ, स्पोर्ट्स का, खेल का। हाँ। और उसको और दूसरे महक में चेंज होंगे। हाँ। वो सीएम ने क्या कहा, उसका विकास के मैं लगाऊंगे ध्यान ही नहीं, आपने कहा सरकार अपनी है, खिलाड़ी सब कुछ अपना है, सीएम अपना है, लेकिन काम तो होने चाहिए थे, काम तभी तो इसको, यो अपना भाई है जो योगेश्वर, तभी तो इसको असेंबली में भेज रहे हैं हम बना गए। नहीं, फिर भी साथ देना चाहिए था ना, विकास क्यों नहीं हुआ अभी तक है? हैं, पहले जा रहा था कृष्ण उड्डा, जा रहा था कृष्ण उड्डा, तो बाहर एमएलए था, यहाँ विपक्ष का एमएलए होने के कारण हल्के में कोई काम नहीं हुआ, बीजेपी ने दबाव कराया फिर। हाँ, बीजेपी ने क्यों कराया है? कांग्रेस टाइम में भी कृष्ण उड्डा ने काम नहीं कराया हल्के का। अच्छा। हाँ, तो फिर पक्षपात कराया। हाँ। कराया। अच्छा, अरे छः साल हो गए, इब भी तो उठा ही था, इब भी नहीं कराया, इब भी नहीं हुआ विकास है, एक आध काम कितने करें। तो मन में ये है कि भाई अब अपना जो यहाँ से चुनना है वो वही बनावेगा, वही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास है हमें उस पर। अच्छा अच्छा। वो हमारे साथ जाएगा, हमारी कोई तकलीफ होती है तो चलता है दफ्तर में। ठीक है। और हमारे काम हल करवाता है। तो आपने समझा यहाँ पर चर्चा में कि अंदर की बात क्या है। हाँ, एक हैं और हैं हमारे साथ, तो इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि जब चार की चौकड़ी बैठती है तो अलग भी कुछ बात हो सकती है। राम राम जी। राम राम भाई। तो छः साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, कोई काम होया या फिर अब की बार करवाएंगे? भाई पहले भी होया है, एक या आई है स्कीम ही। कौन सी? धरती बेचने वाली। अच्छा। मतलब इसमें जो फूड तो बिक गई या धरती तो बिक गई, दो रुपये हो जाए मनसा दो रहे जी। और ना तो भाई इसने बोवा बाव सही जी। और यह नूनी बेरा कांग्रेस के टाइम तो चल रही है, अब यह देवीलाल के टाइम तो चल रही है, अब यह खट्टर साहब के मोदी साहब ने दी है, भाई परमात्मा के यह दिन बात है, या बिग्गी अरे पीछे हो जाए गोज मना नल भूखे मरने की सकी। एक चीज़ हो रही है, देखो काफ़ी अभी भी विरोध हो रहा है, बीजेपी का विरोध हो रहा है, तीन अध्यादेश आए हैं। क्या ये किसानों के तीन अध्यादेश? मैं देखना तो मैं किसान है। हाँ जी, उसका पता ही नहीं। चलो, किसान पहचान का हमने कोई अच्छा, नहीं बेरा। छः साल के अंदर आपके गाँव में कोई काम होया हो? छः साल में हमारी एक छोटी गाड़ बनी है। अच्छा, ये पीछे। हाँ, फसले करने। अच्छा। हम तो इस समय परमात्मा महाराज जो कुछ हो गया इस समय भला हो गया। अच्छा अच्छा। ठीक है, ईट लाएगी इतने पानी में जाया कर दे महाराज, जो खट्टर साहब हमने यह स्कीम दे दी। उससे पहले नहीं काम होया? ना जी, ये कुछ भी नहीं हुआ। उड्डा ने कुछ नहीं करा यहाँ पे? अरे के बुझ जगह बस। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ, मामला खराब हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बीजेपी से गांव सारा गिल्ला है। ठीक ठीक। अरे भाई कुछ वोट तो जाया करें। ठीक ठीक, समझ गया कि नहीं? कुछ वोट तो जाया करें, 150 वोट तो गांव में गिल मेरी गिल्ला बात कराए कुछ गिल्ला नहीं पूछो हूँ ये कहता पीछे था। आप बोल रहे भी दे नहीं, ये उन्होंने बोला यूनिवर्सिटी भी दे रखी है। वो मैं गया यूनिवर्सिटी में लाग रहा हूँ। नहीं, वो कुछ है बता लग रहा, जो करे वो बता दो भाई।
के बताओ है के बताओ है। सारा गांव में भाई नौके हैं अगर बीजेपी की वोट दिए रो, फिर कुछ मानसा ने जड़ा कांग्रेस की गिरनी है उड़े गिरनी है, इसे कौन रोकेगा? मैं गिरूंगा तो कांग्रेस की मैं तो गिरूंगा। अच्छा कौन मान चाहिए कुछ कह लो, नहीं वो तो अपना अधिकार है, अपना अधिकार है वोट का, वरना तो बस सारा काम बीजेपी के लिए सही। ठीक है और कुछ बुझे है? बस पूछना नू है तब काम के नाम पर वोट होगी या फिर अपने ब्राह्मण काम दे, काम तो मैंने कह दिया एक गाल बनी है 20 गज की लेने ब्राह्मण और के यहां पर तो मिलेगी नहीं बस नु लाल भाई योगेश्वर अपना है आगेश्वर अपना है भाई वर्ल्ड कप जीत के लिया था और मारा वो कृष्ण उड्डा था ओलंपिक में पदक जीत के कृष्ण उड्डा मर गया एले बाज की ताने लेने ब्राह्मण। तो राम राम जी सबको, सबने समय दिया और समझने की बात है यहाँ पर कि वोट किसको जा रहा है। वोट बीजेपी को नहीं है, वोट योगेश्वर दत्त को है और योगेश्वर दत्त को इसलिए है क्योंकि वो एक ब्राह्मण समाज से भी ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरी तरफ वो खिलाड़ी भी हैं और ओलंपिक में मेडल भी लाए हैं। ताऊ हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे लेकिन बात अंदर की आप समझिए क्योंकि हम डेली हरियाणा न्यूज़ पर जो दिखाएंगे वो अनकट होगा, बीच में कुछ भी कटा नहीं होगा, वो सीधा होगा, सबके अंदर की बात हमें जानी। एक भाई थे हमारे साथ, उन्होंने भी काम की बात की कि काम के नाम पर होना चाहिए लेकिन अंदर की बात यह है कि काम के नाम पर नहीं, नाम के नाम पर वोट हो रहा है। कोई हुड्डा के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई मोदी के नाम पर, तो कोई योगेश्वर दत्त के नाम पर वोट दे रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, बने रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ।